नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस बाय एनके गुप्ता में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं, अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिस आज करेंगे एक्सरसाइज 1A में। क्लियर है? तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इज जीरो और रेशनल नंबर जस्टिफाई। पूछ रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, आप इसकी जस्टिफिकेशन करिए अपने आंसर को पुष्टि के लिए। क्लियर है? तो देखिए, आपको बताया गया था जब नंबर सिस्टम में हम पढ़ा रहे थे कि नंबर सिस्टम में मेनली नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट को बोला गया था रियल नंबर, दूसरे पार्ट को बोला गया था इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक को बोला गया था रेशनल नंबर, दूसरे को बोला गया था इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंतर्गत जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में तीन पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। इसी प्रकार से प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इन सभी जो नंबर्स थे वो रेशनल नंबर के अंतर्गत थे। तो जाहिर सी बात है जो इंटीजर नंबर का एक पार्ट था जीरो इंटीजर, तो जीरो इंटीजर भी क्या है, एक रेशनल नंबर का पार्ट था। अब चूंकि क्यों ये जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप देखिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, पूछ रहा है कि इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, यस जीरो इज अ, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर, इसका जस्टिफिकेशन देना। जस्टिफिकेशन आप लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड जीरो बाई वन, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह का आपको स्टेटमेंट लिख करके अपने आंसर का जस्टिफिकेशन करना है। क्लियर है? देखिए, जीरो क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको बताया गया है कि रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए, जीरो क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम जीरो बाई वन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और क्यू जो है अर्थात यहाँ पे क्यू के रूप में वन है, वो वन जो है जीरो के बराबर नहीं है, अर्थात क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपको अपने कॉपी में सोल्यूशन लिखना है अपने जस्टिफिकेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट में सारी चीजें बता दिया हूं, एक दो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। एक जो है हम ले रहे हैं क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन का, और एक क्वेश्चन ले रहे हैं इम्प्रॉपर का, और एक डेसिमल का ले रहे हैं। इस तरह से आपका पूरा पार्ट हो जाएगा। देखिए, पहला जो है सेकंड का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 5/7। 5/7 को कह रहा है कि रेशनल नंबर पर रिप्रेजेंट करना। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि 5/7 है क्या। 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है। तो आपको पता है कि इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन वन होती है, एक से कम होती है, एक के बराबर होती है। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी न्यूमेरिक वैल्यू एक से कम है, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है अर्थात संख्यात्मक मान जो है एक से कम है। तो इसका मतलब यह है कि जो नंबर लाइन बनाएंगे हम उसमें एक यूनिट से ज्यादा अर्थात दो यूनिट तक हम बनाएंगे बस, क्योंकि हमें दिखाना है ए जीरो और एक के बीच में। तो सपोज दैट ये नंबर लाइन है, इसमें हमने जीरो को यहाँ पे कहीं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, चूंकि ये फ्रैक्शन के पार्ट में दिया है तो हमको पॉजिटिव वे में चलना है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। तो इसको मैं मान ले रहा हूँ नंबर लाइन में यहाँ पे एक यूनिट मान लिया। अब देखिए, यहाँ पे आप अपनी कॉपी में जब करेंगे तो आप इस प्रकार से आपको मानना है, स्केल मान के करना। आप यहाँ पे अपनी कॉपी में एक स्केल का चयन करेंगे, स्केल ये मानेंगे कि जैसे
चार सेंटीमीटर या पांच सेंटीमीटर को आप एक डिवीजन मानेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिएगा जो भी आपके कॉपी में प्रॉपर साइज है, तो आप मान लीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवीजन मान लीजिएगा, एक डिवीजन या एक यूनिट मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक डिवीजन या एक यूनिट मान लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो जब भी आप नंबर लाइन जब ड्रा करेंगे अपनी कॉपी में, तो वहां पे 5 सेंटीमीटर की दूरी मेजर करके, 5 सेंटीमीटर की दूरी सपोज दैट यहां तक आ गया, तो एक मार्क लगाइएगा, अब पुनः 5 सेंटीमीटर की दूरी मेजर करके दूसरी मार्क लगाइएगा। फिलहाल दूसरी मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। इसका मतलब यह एक यूनिट हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट हो गया वह एक यूनिट हो गया, यहां से यहां तक का पार्ट, यहां से यहां तक का पार्ट एक यूनिट हो गया, यानी कि यहां पे एक मैं मेंशन कर दे रहा हूं, और यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो 2 यूनिट है। यहां से यहां तक का पार्ट कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। इस तरह से आपको लिखना नहीं है, बस आपको मैं समझा रहा हूं, 2 यूनिट है। अब बताइए, इस हमको पता है कि 5/7 एक यूनिट से कम है, अर्थात एक से कम इसकी संख्यात्मक मान है, तो जाहिर सी बात है ये किसमें लाई करेगा? 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो तरीका क्या बताया था, अगर ये 5/7 है तो जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, तो क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए अब इक्वल पार्ट जो है आप मेजर करके भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इक्वल पार्ट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से आप इस 0 से 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट कर दीजिए, यानी आपके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं इसमें, यहाँ पे एक्यूट एंगल बना करके भी आप 7 इक्वल पार्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ज़्यादा आपको लेंडिंग नहीं करना है, सीधे आप इसको स्केल से माप माप करके 7 इक्वल पार्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 इक्वल पार्ट करने के पश्चात आप यहाँ पे क्रमशः नॉमिनेट करेंगे, ये है आपका 1/7, ये है 2/7, ये है 3/7, ये है 4/7 और ये है 5/7 और ये है 6/7। और यहाँ पे जैसे ही आप 7/7 करेंगे तो कट करके इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमको दिखाना क्या है, हमें दिखाना है 5/7, तो ये हमारा है 5/7। 5/7 को ऐसे एरो से दिखा देंगे कि नंबर लाइन पे ये पार्ट जो है यहाँ तक, यानी 0 से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो 5/7 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो ये तो बात हो गया हमारा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, दूसरा है 8/3। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आपका 8/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। इसमें कहते क्या है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3 2 6, 2 होल 2/6, 3 हो जाएगा, 2 3 6, 2 होल 2/3 हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 प्लस 2/3। अब देखिए यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन हो गया, यानी आप इसका डेफिनेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यह भी लिख सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे 2 यूनिट से ज्यादा रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे 2 प्लस 2/3 का मतलब हो गया कि नंबर लाइन पे 2 यूनिट से ज्यादा हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको आइडिया पता चल गया है कि नंबर लाइन में हमें 2 डिवीजन से ज्यादा बनाना था, 3 डिवीजन तक बना सकते हैं। तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन, और यहाँ भी जैसे स्केल माने हैं अपने सुविधा अनुसार स्केल का चयन कर लेंगे और उस हिसाब से इसको इस डिजिट के आधार पे इसको 3 डिवीजन में बांटेंगे। ये मान लीजिए सपोज दैट ये 0 हो गया, तो यहाँ पे हम मान लिया 1 डिवीजन यानी 1 यूनिट, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाते हैं, यहाँ 1 यूनिट हो गया, यहाँ हमारा 2 यूनिट हो गया और यहाँ हमारा 3 यूनिट हो गया। यह 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। इस तरह से अगर संपूर्ण दिखाते हैं आप नंबर लाइन पे तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, सब कुछ समझ में आता है। अब देखिए 2 से ज़्यादा यूनिट दिखाना है, 2 से ज़्यादा अर्थात 2 प्लस 2/3 दिखाना है, यानी कि 2 तक तो जाना ही जाना है, लेकिन इसके बाद 2 और 3 के बीच में और पार्ट करना है,
तो दो तक तो क्लियर है कि दो तक हमको जाना ही जाना है, लेकिन दो से ज्यादा भी जाना है अर्थात प्लस टू बाई थ्री पार्ट और बढ़ना है। तो टू बाई थ्री पार्ट का मतलब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू एक से कम आएगा अर्थात ये एक यूनिट के बीच में ही ये लाई करेगा। टू बाई थ्री किसके बीच में लाई करेगा, या टू और थ्री के बीच में लाई करेगा, एक यूनिट के अंदर गत लाई करेगा। तो बताइए टू बाई थ्री को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ये तो हमको समझ में आएगा टू वाला, लेकिन इसको टू बाई थ्री को रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे क्या कि टू और थ्री के बीच में इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट में। देखिए वन इक्वल पार्ट हो गया, ये टू इक्वल पार्ट हो गया, वन टू थ्री। अब पुनः जो है देखिए हमारे पास ये टू तो रहेगा ही रहेगा और साथ ही साथ टू होल वन बाई थ्री हो जाएगा, इसी प्रकार से टू होल टू बाई थ्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहां भी चर्चा करें तो टू होल थ्री बाई थ्री हो जाएगा, थ्री बाई थ्री कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और सॉरी ना टू प्लस, अच्छा ये टू होल, अब यहाँ पे टू प्लस वन बाई थ्री भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे आप ऐसे भी कर सकते हैं टू प्लस वन बाई थ्री, टू प्लस टू बाई थ्री, टू प्लस थ्री बाई थ्री। तो देखिए थ्री बाई थ्री कट के वन हो जाएगा, या दूसरा तरीका आपको ये भी है कि भाई इसको आप ले सकते हैं टू होल वन बाई थ्री, इसको ले सकते हैं टू होल टू बाई थ्री, इसको ले सकते हैं टू अर्थात डायरेक्ट इसको थ्री भी ले सकते हैं, क्लियर है। तो बताइए टू होल टू बाई थ्री कहाँ आएगा, टू होल टू बाई थ्री अर्थात एट बाई थ्री, तो टू होल टू बाई थ्री ये आ रहा है, तो इसको आप नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये आ गया आपका, समझ में आया। इस तरह से आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक और एग्जाम्पल इसमें डेसिमल के फॉर्म में दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डेसिमल के फॉर्म में कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे दिया है वन, एक निगेटिव वाला बता दे रहे हैं, माइनस टू पॉइंट फोर दिया हुआ है, ठीक है। यदि स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियोस को। इसी में एक नंबर दिया है डेसिमल के फॉर्म में माइनस टू पॉइंट फोर, क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर, टू का फिफ्थ नंबर है माइनस टू पॉइंट फोर। अब निगेटिव वाला भी आपको बता दे रहे हैं, देखिए अगर ये डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसके दो तरीके हैं, या तो डेसिमल के रूप में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करिए, या तो फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो फ्रैक्शन के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को हटाएंगे तो ये 24 अपॉन 10 हो जाएगा, और इसको कट करिएगा तो 25 या 10 और 2 12 टाइम्स में कट जाएगा अर्थात माइनस 12 अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 12 अपॉन 5 जो है एक इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो नहीं कह सकते बल्कि इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है ये, क्योंकि निगेटिव में है। तो इसको अगर आप मिक्सड फ्रैक्शन के रूप में यानी मिक्सड रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 टू जा 10, तो 5 यानी माइनस 2 होल 2 बाई 5, माइनस 2 होल 2 बाई 5 होता है, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आएगा माइनस 2 होल 2 बाई 5, अर्थात इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि माइनस 2 प्लस माइनस 2 बाई 5, ये दोनों ही निगेटिव की डायरेक्शन में जाएंगे इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि अब हमको नंबर लाइन जो बनाना है वो निगेटिव डायरेक्शन में बनाना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, स्केल मानेंगे जैसे आपको बताया गया है, स्केल मान सकते हैं कि 4 यूनिट या 5 यूनिट मान लीजिए, यानी 5 सेंटीमीटर इक्वल टू आप मान लीजिए एक डिवीजन या एक यूनिट, एक डिवीजन या एक यूनिट जो है आप मान सकते हैं, क्लियर। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू एक डिवीजन या एक यूनिट। अब देखिए अब जीरो को हमको इधर मानना पड़ेगा क्योंकि हमको जगह इधर कम पड़ जाएगा, तो जीरो ये हो गया। अब इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इधर निगेटिव डायरेक्शन होता है, तो देखिए आपको पता चल गया है कि निगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट से ज्यादा जाना है, निगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट से ज्यादा जाना है, तो कम से कम आप 3 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन बनाएंगे। एक यूनिट यहां में मान लिया, दूसरा यूनिट यहां मान लिया, और तीसरा यूनिट यहां मान लिया। तो यहां पे माइनस 1 रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे माइनस 2 यूनिट, यहां पे माइनस 3 यूनिट। ये तो तय है कि माइनस 2 तक तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस 2 से और ज्यादा माइनस 2 बाई 5 पार्ट और दिखाना है। तो सेम चीज है, प्रोसेस है, जैसे पॉजिटिव वे में करते थे उसी तरह से निगेटिव वे में भी आपको करना है।
तो यहां पे देखिए हमको ये लगता है कि 2 से ज्यादा करना है। और देखिए ये पार्ट यहां तो हम दिखा दिया, इस पार्ट को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पाइप इक्वल पार्ट करना है। पाइप इक्वल पार्ट कैसे करेंगे, 1 2 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट हो गया। अब इस 5 इक्वल पार्ट में आपको इस तरह से लिखना है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिएगा, -2 होल 1 बाई 5 -2 होल 2 बाई 5 -2 होल 3 बाई 5 -2 होल 4 बाई 5, इस तरह से इसको सीधे आप लिख सकते हैं, -3 कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख देंगे। अब देखिए हमको दिखाना क्या था, -2 होल 2 बाई 5, तो -2 होल 2 बाई 5 यही है, ये हमारा हो गया नंबर लाइन में, समझ में आया। इस तरह से आपको निगेटिव डायरेक्शन में हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, दोनों ही डायरेक्शन में आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। 3/8 एंड 2/5 के बीच जो है रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि यह रेशनल नंबर जो है किस प्रकार का रेशनल नंबर है, 3/8 और 2/5। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का पहला 3/8 एंड 2/5 के बीच जो है, एंड 2/5 3/8 एंड 2/5 के बीच एक रेशनल नंबर निकला, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। एक मिनट, चलिए कहने का मतलब ये कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5, यानी 3/8 और 2/5 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको पहला मेथड बताया गया था कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो सपोज दैट इसको आप मान लीजिए x इक्वल टू 3/8 मान लेंगे और y को मान लीजिए 2/5, दो रेशनल नंबर है x और y के रूप में। तो आपको बताया था कि दोनों रेशनल नंबर के बीच अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो सीधे सीधे आपका फार्मूला बन जाएगा 1/2 x + y। यहां लिख लेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इक्वल टू, या ऐसे फार्मूला के रूप में लिखना है तो रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या होता है, 1/2 x + y, आपको बताया गया आप मेथड नंबर फर्स्ट में। तो देखिए x के रूप में आपने क्या रखा है, x के रूप में आपने 3/8 ले रखा है और y के रूप में आपने 2/5 ले रखा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फटाफट सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे, 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा, दोनों को 40 बनाना है, तो दोनों को 40 बनाना है तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 3/5 = 15 और 2/8 = 16, 15 और 16 और 8/5 = 14, इस तरह से जो है 15 और 16 31 हो जाएगा, 31/ क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस तरह से एक रेशनल नंबर जो है इन दोनों रेशनल नंबर के बीच फाइंड हो गया। दूसरा इसमें दिया हुआ है, एक ही रेशनल नंबर इस तरह से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक निगेटिव वाला बता दे रहे हैं, निगेटिव वाला है एक -3/4 एंड -2/5, चौथा नंबर इसका है -3/4 एंड -2/5, -3/4 एंड -2/5। इसको आप मान लीजिए x = -3/4 और y = मान लेंगे -2/5। तो फार्मूला वही रहेगा, 1/2 x + y, तो 1/2 x के रूप में हम लिखेंगे -3/4 और y के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि दो सिंबल एक साथ यूज हो रहा है तो आप इसकी क्रमशः कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे -2/5 यूज करेंगे, ठीक है, 1/2, अब -3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/5, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 4/5 एलसीएम, सीधे सीधे जो हम मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, -15 -8/20, 15 और 20 3 हो जाएगा -40 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निगेटिव का, ठीक है।
इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। क्वेश्चन में यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटा दे इसको, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है फाइंड थ्री रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। थ्री रेशनल नंबर क्वेश्चन हम डायरेक्टली दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा थ्री रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8, 3/5 एंड 7/8। तो आप ध्यान करेंगे कि जो कल हम वीडियो में आपसे चर्चा किए थे कि अगर दो रेशनल नंबर इस प्रकार का हो जिसके दोनों ही डिनोमिनेटर क्या हो, अनलाइक हो, अर्थात डिनोमिनेटर दोनों के सेम ना हो, तो वही वाला कंडीशन है यहाँ पे। तो देखिए अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू 3/5 है और y की वैल्यू क्या है, 7/8 है। ठीक है, 3/5 है और 7/8 है, तो इसमें आपको देखना है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। देखिए निश्चित रूप से y बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए तो ये हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, 5 7 35, तो 35 बड़ा, इसका मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, अर्थात ये चीज़ें कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए हम करते क्या है, इन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, डी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखना कि यहाँ पे डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। डी की वैल्यू जो होता है डिफरेंस इसमें होता है, इसका फार्मूला आपको बताया गया था y-x/n+1, जहाँ पे n क्या होता था, नंबर ऑफ रेशनल नंबर था। नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने थे, यहाँ पे n की वैल्यू जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। इस फार्मूले पहले पुट करेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू आपका 7/8 है और x की वैल्यू 3/5 है और n प्लस 1 का मतलब हो गया 3+1। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे तो 7 5 35, 35 में से 24 घटा देंगे और ये 40 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 35 में से 24 घटाइए तो 35 में से 25 घटेगा, 10 हो जाएगा, एक और घटे 11 हो जाएगा, 11 बटा 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा, 16 160, 11 बटा 160 आपका क्या हो गया, डी की वैल्यू आ गई। या ध्यान रखना है डी की वैल्यू आई है 11 बटा 160। अब देखिए पहला रेशनल, तीन रेशनल नंबर निकालना है तो उसको फर्स्ट रेशनल नंबर आपको निकालना है, फर्स्ट रेशनल नंबर मैं पूरा लिखूंगा नहीं, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो इसका फॉर्मूला आप लगेंगे x प्लस डी निकालेंगे तो x के रूप में आपका क्या है 3/5 है और d के रूप में कितना है 11 बटा 160 है। दोनों का एलसीएम 160 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का एलसीएम 160 ही आएगा। तो चलिए देखिए, 5 में जब 160 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 32 आएगा, 32 में 3 से मल्टीप्लाई करें 96 आएगा, प्लस 11 हो जाएगा, दैट मीन्स 107/160 पहला रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, पहला रेशनल नंबर। दूसरा रेशनल नंबर इसी तरह से निकालना है, सेकंड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, सेम चीज़ें हैं, आपको फार्मूला पुट कर देना है x प्लस 2d का, क्लियर, सारा चीज़ वही रहेगा, x की वैल्यू 3/5 हो जाएगा और 2d का मतलब 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू 11/60 है, 160 है, 11/160 है, सब कुछ वही रहेगा, एलसीएम भी 160 ही रहेगा। यहाँ पे ये 96 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 11 2 22 हो जाएगा, बताइए 6 और 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा, 118/160 होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड इक्विवेलेंट, थर्ड रेशनल नंबर दोनों के बीच निकालना है, थर्ड रेशनल निकालना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस 3d, x की वैल्यू सेम रहेगा, कितना हो जाएगा 3/5
फाइव थ्री टाइम्स ऑफ डी अर्थात 11/160 सेम चीज़ होगा, 160 एलसीएम रहेगा, यहाँ भी 96 हो जाएगा, यहाँ पे तीन टाइम हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब बताइए 6 और 3 9 और 9 और 3 12 129/160 ये तीसरा रेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच। तो इस तरह से आप इस मेथड का यूज करके तीन रेशनल नंबर के बीच निकाल सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7, 3/7 एंड 5/7। तो देखिए वो मेथड मैंने जो बताया था कि जिसमें लाइक फ्रैक्शन के रूप में जो हो, लाइक फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे निकालेंगे, तो ये लाइक फ्रैक्शन वाला कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि इसके इस ये दोनों ही फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो दोनों क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसमें कितने रेशनल नंबर निकालना है, ये निकालना है, इसका मतलब एन की वैल्यू दे रखा है 4, एन की वैल्यू 4 दे रखा है, तो 4 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच निकालना है। तो हम करते क्या है कि जो एन प्लस 1 है इससे हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। एन प्लस 1 अर्थात 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5 से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे। तो देखो 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल आपको बनाना है, तो 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो है 5 के रूप में बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3/5 = 15, 7/5 = 35, यानी 3/5/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक आया 15/35। इसी तरह से 5/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना है 5 के रूप में, 5 के देखिए तो ये हो जाएगा 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का भी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/70 = 35। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया, कुछ हुआ बस। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 15/35 ये और 25/35 इन दोनों के बीच हमको 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम सीरियल से सिक्वेंशियल वे में क्या करेंगे, इसको लिखते चले जाएंगे। 15 के बाद क्या आएगा, 16/35 हो जाएगा, 17/35 हो जाएगा, 18/35 हो जाएगा, उसके बाद 19/35 हो जाएगा। तो 4 ही निकालना है, 1 2 3 4, बस काम खत्म। 4 रेशनल नंबर इस तरह से निकालेंगे। और भी पूछता तो और भी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं था, ये तरीका है निकालने का, 3/5, 3/7, 5/7 इस तरह से। इसी तरह से आप जो है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच निकाल सकते हैं। सेम चीज़ें हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम चीज़ें हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 के बीच। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स, कह रहा कि जो गिवन दो नंबर्स थे इनके बीच कितने रेशनल नंबर डिटरमाइन किया जा सकता है। तो आंसर आपका होगा इनफाइनाइट रेशनल नंबर इसको बीच डिटरमाइन किया जा सकता है। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, कह रहा है कि इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, 2.1 और 2.2 के बीच जो है 16 रेशनल नंबर क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो ये भी जो है आपका लाइक फ्रैक्शन के रूप में ये रेशनल नंबर है, तो इसको आप बना लेंगे लाइक फ्रैक्शन के रूप में। 2.1 और 2.2 को जब फ्रैक्शन के फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तो 21/10 और 22/10 आ जाएगा, और 21/10 और 22/10 दोनों ही क्या होंगे, एक लाइक फ्रैक्शन बनेंगे। और जब लाइक फ्रैक्शन बनेगा तो जाहिर सी बात है वो वही कंडीशन बनेगा ये लाइक फ्रैक्शन वाला, इसी सेम में निकाल लेंगे इसको भी। अगर डेसिमल के रूप में कहता है तो डेसिमल के रूप में भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन दे रखा है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, रीजंस फॉर योर आंसर, आंसर देना है और उसको रीजन भी देना है। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट ईच एंड एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है। तो इसका रीजन आप देखेंगे कि 0 इज अ होल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसका रीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है।
तो प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। आगे देखिए, जीरो इज ऑलवेज, जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होता है? प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होता है, क्या यह बात असत्य है? नहीं, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं होता, केवल जो है पॉजिटिव इंटीजर ही होल नंबर होता है, निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये बात क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर जो है एक रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल होता है, प्रत्येक इंटीजर क्या है? एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि आप निगेटिव रेशनल नंबर को भी पी बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, निगेटिव इंटीजर को भी पी बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को भी पी बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, और जीरो को भी जीरो बाई वन लिख सकते हैं। और चूंकि हम ये जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें सारे चीजें बताया था कि ये सारे पार्ट जो होते हैं एक रेशनल नंबर के पार्ट हैं। इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर में इंटीजर आ गया, नेचुरल आ गया, होल नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, को प्राइम नंबर, ऑल टाइप जितने भी आपको मैंने बताया था सारे के क्या होंगे? रेशनल नंबर के अंतर्गत पढ़ाया गया था। आगे देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर? नहीं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता? नहीं, प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं होता, लेकिन प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, तो ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर है? हाँ, नहीं, ये भी बात गलत है, प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कहें 2/3 एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या 2/3 एक होल नंबर है? नहीं है। तो इस तरह से आप अपने आंसर का सपोर्ट करने के लिए इसका जस्टिफिकेशन आप अपने एग्जाम्पल स्वरूप आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ठीक है, समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को, और यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम सेम टाइम और इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।